देशरे नुआ जातीय शिक्षा नीति बा नूतन जातीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो थीम कौन कौन रही एनसीईआरटी प्रस्तुत करछि एक मॉडल एनसीईआरटी बछा बछा किछि स्टेट G20 रे तांकर मॉडल प्रदर्शन करछन्ती आपण मानको विजुअल माध्यम रे आमे देखैबु केमती छोटो छोटो पिला माने तांकर इनोवेटिव आइडिया नेकी ओडिसा आसीछन्ती ओडिसा रे सेमाने निज स्टेट को रिप्रेजेंट करबा सहित केमती प्रस्तुत करछन्ती आपण देखुछन्ती विजुअल रे संजीवनी हेलीकॉप्टर अर्थात जेतेबेले उपरे आकाश मार्ग रे जेतेबेले विभिन्न प्रकार हेलीकॉप्टर जाउछि सेतेबेले एक्सीडेंट मध्य होउछि सेथुरो केमती बर्ती परिबा ताकू नेकि प्रस्तुत हेछि संजीवनी हेलीकॉप्टर आम सहित गोटे छोट पिला अछन्ति जे कि कहिबे ए विषय रे जे केमती से प्रस्तुत करछन्ति संजीवनी हेलीकॉप्टर। स्वागत है आपको ओडिशा में। आपका नाम क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम रावल ओम चेतन भाई है, मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये संजीवनी हेलीकॉप्टर क्या है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम संजीवनी हेलीकॉप्टर है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे CDS है जनरल बिपिन रावत, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी। ऐसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना ना हो इसलिए हमने प्रोजेक्ट बनाया। कार जैसे वाहनों में एयरबैग की सुविधा होती है जो अकस्मात होने के कुछ देर पहले खुद और अंदर व्यक्ति की रक्षा करती है। ऐसे हमने हेलीकॉप्टर में ऐड किया है। हेलीकॉप्टर में जहाँ बैठने की सीट है वहाँ ऐसी रचना की जब हेलीकॉप्टर में कोई भी दुर्घटना हो तो व्यक्ति की सीट पर एक बहुत मजबूत कांच का कवच व्यक्ति संपूर्ण ढक जाएगा। ये कवच बुलेट प्रूफ ग्लास और फायर प्रूफ ग्लास से बना होगा और उसमें सीट के पास एक इजेक्ट बटन होगा जिसको प्रेस करते इमरजेंसी एग्जिट खुल जाएगा, व्यक्ति नीचे आ जाएगा और थोड़े देर बाद पैराशूट ओपन हो जाएगा, व्यक्ति नीचे आ जाएगा। और उस कवच में GPS की सुविधा है, जे सुविधा है क्योंकि मान लीजिए समुद्र या फिर जंगल में गया तो उसे ढूंढा जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, सांस ले पाएगा। ऐसी सुविधा हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में नहीं है। आपको कितने दिन लगा ये आइडिया लेने के लिए और ये एग्जीक्यूट करने के लिए? हमको तो अब एक हफ्ता से ज़्यादा लगा है। जब सर ने कहा प्रार्थना सभा होती है ना उसमें कहा था कि ऐसे कुछ बना सकते हो तो बनाओ, तो हमने सर को पूछा कि ये बना सकते, सर ने कहा बनाएंगे, फिर साइंस फेयर में रखा। अभी अच्छा लग रहा है ये प्रोजेक्ट बनाकर? हाँ। कितने साल के हैं आप? मैं 11 साल। ओके, देखुछंती 11 वर्षर गोटे छोट पिला केमती इंडियन आर्मी बा जो संजीवनी हेलीकॉप्टर को केमती सुरक्षित हेलीकॉप्टर आमे चलई परबा एयरक्राफ्ट न होबो ताकू नेकि से प्रोजेक्ट बनैछंती। ये होछ नुआ भारत, ये होछंती नुआ भारतर पिला माने जो माने निजर नुआ नुआ सोच बा नुआ नुआ जो क्रिएटिविटी द्वारा केमती भारत को सशक्त करि होबो, केमती भारत को मजबूत करि होबो ताकू नेकि प्रोजेक्ट बनैछंती। आउ गोटे प्रोजेक्ट मध्य आपनकु देखैबी, विभिन्न प्रकार आपन जानिछंती चाष क्षेत्र में आमको चाषी मान खास करी प्रॉब्लम हो सबको एड़ापी। आउ गोटे छोट पिला अच्छा, आप कहाँ से हैं, कितने साल के हैं आप? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शेख फैजान, आई एम स्टडिंग 8th क्लास इन जटपचस गुमडोल ऑफ तेलंगाना स्टेट। ओके, आप क्या बनाए हैं प्रोजेक्ट आज? मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्रॉप प्रोटेक्टर है। क्या उसमें क्या होता है? किसान मेहनत करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, वो मेहनत कर उसका फल नहीं आ रहा। कैसा बोलते हो, जंगली जानवरों के वजह से, पक्षियों के वजह से उनका बहुत लॉस हो जा रहा है। कैसा बोलते हो, किसान बीज बोते ही पक्षियाँ क्या खा ले रहे, फसल बड़ा होते जंगली जानवरों का खराब कर दे रहे, इसके वजह से किसान टेंशन लेने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो जा रही। इसलिए प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट में मटीरियल सोलर प्लेट, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स, ये सेंसर्स 400 और 360 डिग्री 24x7 आवर्स काम करेगा। स्टील प्लेट, DC बैटरी, नट बोल्ट। एग्जाम्पल, क्रॉप खाने बढ़ आ रही है तो ये साउंड करेगा। अच्छा, फोर साइड्स किधर से भी आंदो बर्ड ये साउंड सुन कर डर के भाग जाएंगा। सेकंड न्यूज़ क्या बोलते, LED लाइट रात के टाइम में ज़्यादा तो ज़्यादा क्या है, एनिमल्स है गए, वो एनिमल साउंड से ना डरते, थोड़े एनिमल्स उनके लिए क्या बोलते, एक लेजर लाइट आ गिर रहा है रात के टाइम में, वो आई पे लगने से वो कन्फ्यूजन में गिर के भाग जाएंगे। थर्ड न्यूज़ क्या बोलते, सोलर फेंसिंग, किसान डायरेक्ट करंट देने की वजह से एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स सूख के मर जाते हैं। अगर वो ये अपन सोलर से दिए तो वाइब्रेट हो रहा होता पर एनिमल्स नहीं मरते और ये कम कॉस्ट में बना हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, अपना सुनुले ये जड़े आ छोट पिला जे कि क्रॉप बा जेमती विभिन्न प्रकार चाष ताकू केमती आमे बंचे परबा, केमती पशु पक्षी आसिले सेथुरु केमती शब्द सुनकी सेमाने बाहरी परिबे एवं क्रॉप को सेमाने बंचे परे ताकू नेकी प्रोजेक्ट करथिले। बहुत सुंदर G20 रे प्रोजेक्ट सब लागी छ, अति कम रु कम छोट पिला माने ए प्रोजेक्ट तयार करछन्ती। आउ गोटे प्रोजेक्ट आपण देखंतु, एक्सीडेंट फ्री स्मार्ट कार। सीधा सळ कथा बा प्रश्न पचारीबा सर, कैसे बनाए एक्सीडेंट स्मार्ट कार, फ्री स्मार्ट कार, और कितने दिन लगे, क्या इसका प्रोजेक्ट का मोटो है? इस प्रोजेक्ट का नाम है एक्सीडेंट फ्री स्मार्ट कार। ये मतलब हमारे गांव में कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर ही हमने ये बनाया है। क्या होता है, गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को नींद आती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, इसलिए हमने एक सेंसर लगाया है गाड़ी के ठीक सामने, ड्राइवर के ठीक सामने होगा,
जब भी वो आँखें बंद करेगा तब 2 या 3 सेकंड के अंदर गाड़ी में जोर से अलार्म बजेगा, ठीक है, ऐसे अलार्म बजेगा। ऐसे अलार्म बजेगा तब वो नींद में नहीं जा पाएगा और ऐसे हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कितने लाभदायक होगा आपको लग रहा है नई भारत में ये हो सकता है इम्प्लीमेंट? हाँ हो सकता है, 90% तक एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ओवरटेक करते समय सामने कोई गाड़ी है उसे ओवरटेक करना है, तब ड्राइवर क्या करते हैं गाड़ी को थोड़ा साइड में ले आते हैं देखने के लिए कि दूसरा गाड़ी आ रहे हैं नहीं। ऐसे करते समय कोई गाड़ी आ जाए तो अचानक से टक्कर करके एक्सीडेंट होता है, इसलिए हमने एक मूवेबल कैमरा लगाया है। जब भी ड्राइवर सोचेगा कि मुझे ओवरटेक करना है तब एक बटन दबाने से ऐसे कैमरा निकाल आएगा और सामने से आ रही गाड़ी की तस्वीर इस डिस्प्ले में दिखाएगा, और इसके साथ एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो इस गाड़ी का स्पीड और सामने से जो गाड़ी आ रहे उसका स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेशन करके अगर ओवरटेक संभव है तो अलाउ, अगर ओवरटेक संभव नहीं है तो नॉट अलाउ बोल देगा। ऐसा हम आसानी से और सेफली ओवरटेक कर सकते हैं। सर कितने दिन लगा ये प्रोजेक्ट करने में? ज़्यादा दिन लगा नहीं है, मतलब ये हम लोग पहले एक्सीडेंट का कॉज को ढूंढ रहे थे, मतलब एक्सीडेंट के कारणों को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे 4 कारणों का समाधान किया गया है। अगर ये 4 कारण का समाधान हम हर गाड़ी में लगा दे ये डिवाइस है तो 95% एक्सीडेंट हम रोक सकते हैं। शुणुले एक्सीडेंट फ्री स्मार्ट कार मध्य एनसीआरटी बाछी बाछी विभिन्न स्टेट्रु प्रतिनिधि मैंने आस दिल्ली मध्य प्रतिनिधि जो आस कथा जी आसुई पिटारा नहीं कि जे आम एनसीआरटी रहा एनईपी रहा जो आस छोट पाला पाठ पढ़ाई मंगेवाई गोटे कष्टर होता है। मैडम आप कहाँ से हैं और ये जादुई पिटारा क्या है हमको थोड़ा बताइए। हम लोग NCERT न्यू दिल्ली से हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बाद हमारे देश में एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज बना है जो 2022 में बना है और अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ना लिखना सिखाना है उसके लिए टीचर्स के पास कुछ सीखने सिखाने की सामग्री होनी चाहिए, कुछ मटेरियल होना चाहिए। वो मटेरियल टीचर्स खुद बनाते हैं, बच्चों की सहायता से बनाते हैं, पेरेंट्स की सहायता से भी बनाते हैं और बहुत सारी सामग्री बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जादुई पिटारा में कलेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल है जो लोकल आर्टिशंस ने बनाया है, जो लोकल कारीगर होते हैं आसपास हमारे घरों के आसपास, जो अच्छे पपेट्स बना लेते हैं, जो अच्छे खेल खिलौने बना लेते हैं। आपने जैसे देखा कि ये खेल खेल में जो बच्चे खेलते हैं घर घर, तो उसमें इस तरह की सामग्री यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे मोती हैं। और ये आपने बहुत ही देखा होगा जिसमें बच्चे रिंग्स को अब उनके हिसाब से कलर्स के हिसाब से लगा सकते हैं, साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं, और ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही ऐसे बहुत सारे पपेट्स हैं जो बच्चे जब टीचर कहानी सुनाती है तो कहानी सुनाने के लिए उनके हाथ में अगर पपेट्स होते हैं तो बच्चों का अटेंशन आराम से वो अपनी तरफ ले आती है और बच्चे उत्सुक होते हैं। इसको टीचर अपने हाथ से मैन्युअली हैंडल कर सकती है और कहानी सुनाते समय अपने एक्सप्रेशन दे सकती है। तो न केवल इससे बच्चे का भाषाई विकास होता है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है और बच्चे आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, अपनी कहानियाँ बनाते हैं, उससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो लिखने पढ़ने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं पज़ल्स वगैरह हमारे पास हैं। ये जो छोटे छोटे पज़ल्स होते हैं ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपण शुणुले विभिन्न NCERT बछा बछा स्टेट आप आसाम कथा कहतु, दिल्ली कथा कहतु, तेलंगानार कथा कहतु, प्रथम आपको देखेलु जे एयरक्राफ्ट जितेबले होउछि बा युद्ध क्षेत्र रे हो बा सामान्य हेलिकॉप्टर एयरप्लेन जितेबले जाउछि सेतेबले एरोप्लेन जितेबले जाउछि सेतेबले कोनोसे क्रैश न होय पई गोटे छोटो पिला 11 वर्षर पिला तार प्रोजेक्ट देखुतला। द्वितीय रे आपण देखुतले जे धान क्षेत्र हो बा विभिन्न अन्य क्षेत्र हो जितेबले आपण चाष करुछन्ति किंतु चाषी निजर सुफल पाई पारनै सेथरे पशुपक्षी मानकु क्षेत्रु उड़ेया पई बा बाहर करिया पई तांकु केमति से प्रकार प्रोजेक्ट गोटे प्रस्तुत होता। आउ गोटे प्रोजेक्ट आपड़ देखिले आपड़ रास्तार गाड़ी चलाउंट कि आखि लगि जामती ड्राइवर बर्ती पार आ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जादुई पिटारा कथा वर्तमान देश में चर्चा होट पाला केमती हसी खेली शिक्षक शिक्षयत्री पाठ पढ़ाई पारे तार प्रोजेक्ट आ20 ये बहुत सुंदर और छोट पाला ये प्रोजेक्ट आपड़ देखुले। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट दीपक साहू स्वप्नांचल महांती अर्गस न्यूज।